ये बहना आज हम संत मार्क उसके अनुसार समाचार अध्याय 4 से कुछ वाक्य पढ़ के सुनेंगे। अध्याय 4 वाक्य 24 से ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उससे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। दोस्तों, मसीह अपने अनुभव के आधार पर ईश्वर के राज्य की व्याख्या दे रहे हैं। खेतों से जा रहे थे, अक्सर किसानों को देखा था और किसान किस तरह भूमि पर कार्य करते हैं वो भी देखते रहते हैं। ये बोने की और कटनी का ये सब मसीह के नज़र में ही था। हम देखते हैं मसीह अपने शिक्षा में, सुसमाचार में कई बार जो भूमि और कृषि, जो खेती से उदाहरण लेते हुए व्याख्या करते हैं ईश्वर के राज्य की। यहाँ वैसा एक घटना है। एक दिन ईसा वैसे ही शिष्यों के साथ जा रहे थे और वहाँ पर हम देखते हैं ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य का सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। सरल उदाहरण है, उस मनुष्य के समान है जो भूमि में बीज बोता है। हम भी देखते हैं बीज, मतलब बीज बोने के लिए खेती तैयार करते हैं, बराबर तैयार होते हैं, उस पानी देते हैं, सब तैयार होते तब बीज बोते हैं। समय भी उन्हें मालूम है, बराबर समय पर, अच्छे समय पर जब खेती तैयार है तब वो बीज बोते हैं। और बीज बोने के बाद वो रात को सोने जाता है, सुबह उठता है, 2-3 दिन पानी भी देते हैं, उसके बाद हमें मालूम है बीज की वो इंतजार करते रहता है। 2-3 दिन के बाद वो देखते हैं बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उससे पता नहीं कि वो कैसे हो रहा है। आश्चर्य की बात है, बीज अपने आप उग जाता है। बीज बोते तो हैं, उसके लिए भूमि तैयार करने का कार्य सब किसान का है, वो बराबर ये कार्य करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं, 2-3 दिन का इंतजार तो है, तो बीज उगने देखता है किसान। उन्हें मालूम नहीं किस तरह उगता है, इनमें इतना शक्ति है कि वो उग जाता है। बीज के अंदर जो शक्ति है उससे बीज उगता है और बढ़ता जाता है और भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। धीरे धीरे ये बहुत ही सुंदर दैनिक जीवन का अनुभव है हम सभी का। बहुत ही सुंदर गेहूँ का बीज हो सकता है, राई का हो, अलग अलग तरह का बीज हम देखते हैं, धीरे धीरे उगता है, फसल देता है। यदि फसल के लिए तैयार होता है तो किसान चले उसके लिए तैयारी करते हैं, सब अपने आप उगता है। अनुकूल मौसम, वातावरण, ये सब है, पानी है और खाद डाला गया है, तो बीज अपने आप उग जाता है। बीज भी अच्छा होना है, ये सब तो है, लेकिन उगता अपने आप, उसके अंदर जो शक्ति है उससे उगता है। ईश्वर का राज्य, मसीह कहते हैं, उसके समान है। ईश्वर का राज्य उसके समान है। ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। ईश्वर के राज्य की शिक्षा मसीह दे रहे थे, ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को नियुक्त किया रहा है मसीह ने। अपने शक्ति पर, क्षमता पर आधारित नहीं, ईश्वर के राज्य में सफलता मिलना है तो शिष्य को भी यह याद रखना है,
बीज जो बोता है, जो शिष्य वो देता है, सो सुषमाचार की प्रजा जो करता है, वो जरूर उस अपने आप सक्षम है उगने के लिए। समय का इंतजार है, हमें इंतजार करना पड़े, क्षमा पूर्व इंतजार करना तो दायित्व है, तो बीज उगेगा। अलग अलग तरह का मसीह दूसरी जगह पर कहते हैं, अच्छे भूमि पर यदि बीज बोए जाते हैं और उसको पानी मिले, खाद मिले, तो अच्छा फसल मिलता है, 100 गुना, यदि और 60 गुना, अलग अलग तरह। तैयार देखना और तैयारी करना, खेती को तैयारी करना हमारा दायित्व, किसान जिस तरह किसान का दायित्व है उसी तरह हमारा दायित्व है। जो वचन के लिए अनुकूल वातावरण का वातावरण बनाना हमारा दायित्व है, अच्छी तरह बीज बोना हमारा दायित्व है, फिर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इंतजार करने की बात थी, क्षमापूर्व इंतजार करना। ईश्वर का राज्य हमारे हाथ में तो नहीं, वो स्वयं फल प्रदान करेगा, ईश्वर स्वयं इसको फल प्रदान करे, उत्पन्न करेगा, हम विश्वास करें। क्षमा के साथ इंतजार करने वालों को फल देखने का मौका मिलता है। हम मसीह से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं आपका वचन शक्तिशाली है, वचन में शक्ति है, जो वचन हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं वो उगेगा, फल उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप स्वयं उसको फल प्रदान करता है, आपकी शक्ति है उसमें फल उत्पन्न करे। हम विश्वास के साथ इंतजार करते हैं, हमें भी ये शक्ति दे, क्षमापूर्व इंतजार करने का वही शक्ति हमें, क्षमता हमें दे, ताकि हम फल देख सके, फल देख सके और फल का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाए। आमीन।